दो भाई जो एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, इससे दो भाई आपस में हाथापाई कर रहे हैं। ये सब कुछ इस झूठी रुक्मणी की वजह से हुआ है बा। मैं रुक्मणी जी की नहीं, ये तेरे पागलपन की वजह से हुआ है। और रुक्मणी जी के बारे में कुछ मत बोला है। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा सुमित भाई, जिस सुमित भाई की हमारे सामने कभी चूक करने की हिम्मत नहीं होती थी, आज वो हमें सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं, वो भी इस लड़की के लिए। मतलब ये सिर्फ झूठी नहीं, जादूगरनी भी है। इस लड़की की गलती भी नजर नहीं आती इनको, इसके झूठ नजर नहीं आते, धोखे नजर नहीं आते, यहाँ तक कि इसके चरित्र पर लगा हुआ दाग भी नजर नहीं आता इनको। उनके चरित्र पर उंगली मत उठाइए बा। और बा हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक औरत के चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, एक मर्द को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता बा? अगर वो कह रही है कि अपने अतीत को वो दिल दिमाग से निकाल कर आई है शादी से पहले, तो निकाल कर आई है बा। मैं पूरा विश्वास करता हूँ इस पर। अगर वो अपने अतीत को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल के आती, वो यहाँ नहीं टिकती। वो बा के कहने पर एक चाय वाली बनने के लिए तैयार नहीं होती बा। IPS की पढ़ाई की है बा इसने, पर कभी एक बार भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, आपका अपमान नहीं किया बा। पूरे परिवार को, हर सदस्य को ये दिल से स्वीकार चुकी है। ऐसे में मैं अपनी बीवी के साथ हमेशा कराऊंगा, क्योंकि मुझे खुद से भी ज्यादा विश्वास अपनी बीवी पे। आज के बाद ये खिड़की कोई नहीं खुलेगा। ये खिड़की नहीं है, बा के दिल का दरवाजा है जो आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। ये दरवाजा फिर से खुल सकता है अगर आप मुझे मेरी मिनी वापस कर दो। हाँ सच में, क्या चाहिए क्या आपको? बा का प्यार चाहिए ना? मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, बा आपको सुमित भाई कह के नहीं बुलाएगी, आपको बकुड़ा कह के बुलाएगी। मेरी मेरी तरह जितना प्यार मुझे करती है उतना प्यार आपको करेगी। हाँ मुझे बा का प्यार चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। इस जन्म में तो मैं रुक्मिणी जी का साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे लिए बा ने खाना खाया मतलब भगवान ने खाया, और मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। कैसे बा को आप अपना भगवान मानते हैं, तो भगवान को भी भक्त की भक्ति स्वीकार नहीं होगी। केसर बा को आपको अपना बेटा स्वीकार नहीं होगा। मैं आपको केसर बा के बेटे होने का हक दिलवा कर रहूंगी। ये घर की दीवारों में दरार पड़ने की शुरुआत हो चुकी है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बाजी अपने हाथ में है। ये सुमेध सुमेध ये सब खा जाए, उससे पहले हमें सुमेध को इस घर से अलग कर देना होगा। कल के कल मैं सुमेध भाई का हिसाब किताब कर देती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।